अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो स्कूल बैग्स होते हैं उनको किस तरह से वॉश किया जाए, वो कौन सा मोड है जिस पे इनको वॉश किया जाए ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाए, इनकी प्रॉपर वॉशिंग भी हो जाए और उसके साथ साथ इनकी जो ओवरऑल इनका स्टफ है वो वेल मेंटेन्ड रहे, इनकी जिप्स और इनकी बाकी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। सो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैंने ले लिए 3 अदद बैग्स, ठीक है, ये स्कूल बैग्स हैं। करना आपने ये है कि जस्ट मेक श्योर कि इनकी जिप्स जो हैं ये बंद हैं, बैग्स खुले नहीं हैं। जब आपने इनको बंद कर लिया, लाइक मैंने, मेरे पास 3 बैग्स हैं, ये अब मुझे आई फेल्ट लाइक ये काफ़ी गंदे हो चुके हैं तो इनको अब वॉश किया जाए। लेकिन ये मेरा भी एक्सपेरिमेंट है कि मैं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इनको फर्स्ट टाइम वॉश कर रही हूँ। हाँ, जो बैकपैक्स होते हैं वो तो मैंने वॉश किए हैं, बट स्कूल बैग्स मैंने कभी भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इससे पहले वॉश नहीं किए। सो यहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप ये करना है कि यहाँ पर मोड्स देख लेने कि मैं किस मोड में स्कूल बैग्स को अच्छी तरह से वॉश कर सकती हूँ। सो बताती चलूँ, यहाँ पे 3-4 मोड्स बड़े अच्छे हैं जिन पे आपके बैग्स बहुत अच्छी तरह से वॉश हो सकते हैं और ये इसी कंडीशन में रहेंगे, आई मीन नीट एंड क्लीन होंगे, बैग्स आपके ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे वो है, सॉफ्ट वॉश पे आप इसको कर सकते हैं, उसके अलावा डेलिकेट पे कर सकते हैं, बेबी केयर पे कर सकते हैं। ये 3 ऐसे मोड्स हैं जिन पे आपके बैग बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएंगे, इनकी प्रॉपर वॉशिंग भी हो जाएगी और उसके साथ साथ बैग्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम सॉफ्ट वॉश पे इनको ट्राई करेंगे, और क्योंकि सॉफ्ट वॉश मुझे सबसे बेहतर लगता है, कोई भी आपकी डेलिकेट चीज़ हो, ऐसी चीज़ हो जिसके ख़राब होने का अंदेशा हो, तो बेहतरीन है कि आप सॉफ्ट वॉश पे ही इनको वॉश करें। सो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके अंदर 3 बैग इस तरह से आप रख लें, ठीक है, साथ साथ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी पूरी वीडियो में आपको दिखाऊं, ठीक हो गया। इस तरह से आपने बैग्स रख लिए, उसके बाद आपने ये करना है कि आप चाहे तो डिटर्जेंट बॉक्स में भी लिक्विड डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, या आपके पास सर्फ के फार्म में है तो वो इसके अंदर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर लिक्विड है तो आप डायरेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 बैग्स के हिसाब से मैंने इसमें ये 40 ml लिया था लिक्विड डिटर्जेंट, ठीक है, जो कि मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद आ जाते हैं पैनल पे, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन को मैंने कर लिया है ऑन। ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं सॉफ्ट वॉश पे आ जाए, डिफॉल्ट इस तरह की सेटिंग आ जाएंगी जिसमें आपका वाटर लेवल जो है मीडियम है, इसमें 2 रिंजेस हैं 4 मिनट्स की, इसके अंदर स्पिनिंग होगी। तो यहाँ पे हम इसकी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, 1 टच सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं है कि आप इसको हाई पे कर लें, लो पे कर लें, लो पे भी कोई भी सेटिंग हम इसकी चेंज नहीं कर सकते, जो बाय डिफॉल्ट होती है वही रहती है। सो इस सेटिंग के साथ 42 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपने ये कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो चल रहा है इसका वॉश मोड, वॉशिंग मशीन ने पानी ले लिया और वॉशिंग हो चुकी है स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि वॉशिंग की स्मूथली हो रही है, आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट वॉश पे 28 मिनट्स पे भी अभी तक वॉशिंग का प्रोसीजर जारी है सारी है, और ये सॉफ्टली इसको हैंडल कर रही है। यहाँ पे अभी रिंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 25 मिनट्स पे, ठीक है, रिंसिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तकरीबन 16 मिनट्स, 2 मिनट्स तो वॉशिंग मशीन ने लिए वाटर फिलिंग में और बाकी 14 मिनट्स इसने वॉश टाइम लिया, ठीक है, सॉफ्ट वॉश पे। टाइम रिक्वायर्ड है 23 मिनट्स है, ये कंप्लीट। और दिखाते चलो, अब स्पिनिंग का टाइम रह गया,